हेलो स्टूडेंट्स माय सेल्फ मनोहर चंदेलिया टीम जोलॉजी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गुरु नीति का एपिसोड फोर्थ जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में फोर्थ यूनिट जो है वो आपके बना रखी है ये सीएलसी के थ्रू प्रोवाइड की जाने वाली एक बहुत ही शानदार एफर्ट है बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है जिससे आपके कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड किया जा सके और अब आपको पता है टाइम केवल और केवल आपके कॉन्फिडेंस को अपग्रेड करना है कि आप हाईली कॉन्फिडेंट हो जाओ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके लिए ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा है और आप नीट में किस टाइप के किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं ताकि आपको ये आगे का अंदाजा रहे कि हम इस साल जो नीट का एग्जाम देंगे उसमें किस तरीके से अपने को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना किस तरह के क्वेश्चंस को उसमें पूछा जा तो first, उसमें रहा है क्लियर तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दे रखा है मोस्ट एबेंडेंट इंट्रा सेलुलर कैटाइंसिस इंट्रा कैटाइंस सेल्स के बीच बीच में जो बॉडी फ्लूड होता है टिश्यू फ्लूड होता है उसमें मैक्सिमम कैटाइंस जो है वो कौन से होते हैं तो मैक्सिमम कैटाइंस आपको ध्यान है कौन से होंगे पोटेशियम आयन्स जो है उसमें मैक्सिमम कैटाइन होते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए इसका सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ए आई पी एम टी का क्वेश्चन है क्लियर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपियंट बिकॉज ही हैज पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी ए बी ब्लड ग्रुप जिसका है उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट मानते हैं क्यों है? कि A, B जिसका blood group है, कि जिसका उस वाले में antigen क्या होगी और एंटीबॉडी क्या होगी दो चीजें होंगी ब्लड ग्रुप एंटीजन एंटीबॉडी के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाता है तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें एंटीजन ए एंड बी ये दोनों एंटीजन होंगे और एंटीबॉडी जो है वो इसमें कोई सी भी नहीं होगी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में और एंटीजन प्रेजेंट होते हैं आरबीसी आरबीसी पे एंटीजन कहां प्रेजेंट प्रेजेंट होंगे की सरफेस पर और एंटीबॉडी होती है प्लाज्मा में तो इसमें एबी ग्रुप है उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट हम क्यों मान सकते हैं तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है कि एबी ब्लड ग्रुप में किसी भी तरह की एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं है केवल उसमें क्या होती है एंटीजन प्रेजेंट होगी आरबीसी के सरफेस पे जो दोनों एंटीजन है एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं इसलिए वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है no so, क्लियर इसका बोथ ए एंड बी एंटीजन ऑन आरबीसी आरबीसी पर एंटीजन दोनों है लेकिन एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं है क्लियर तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो गया नेक्स्ट पे अगर देखें

समझ आ रहा है इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री है नेम द ब्लड सेल्स अभी हम कौन से सब टॉपिक के क्वेश्चन देख रहे हैं बॉडी फ्लूड में से क्या क्या आया हुआ इसमें बॉडी फ्लूड है सर्कुलेशन है सब टॉपिक एक इसमें ईसीजी है डिसऑर्डर है इसके एक्सक्रीट सिस्टम एक्सक्रीशन के फंक्शन और एक्सक्रीशन के डिसऑर्डर तो सब टॉपिक वाइज जो है वो इसमें एक एक कर रखे हैं अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो है बॉडी फ्लूड के ओनली बॉडी फ्लूड से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं क्लियर है यहाँ तक तो इसमें आप देखें द नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कोज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी तो क्लॉटिंग के लिए क्लॉटिंग डिसऑर्डर होना इट मीन्स क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो रहा है ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है अगर एक बार चोट लग गई तो कंटिन्यू जो है वो ब्लीडिंग हो रही है इसका मतलब कौन सी ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी है तो कौन सी ब्लड सेल्स है वो ब्लड क्लोटिंग से रिलेट है तो कौन सी होती है इसमें प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स है वो ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है अगर इन सेल्स की नंबर कम हो जाए ब्लड में तो ऐसी कंडीशन में ब्लड क्लोट नहीं होगा और ब्लड क्लोट नहीं होने के कारण जो है वो एक्सेसिव लॉस होता है ब्लड का ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो कौन सी होगी इनमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका थ्रोम्बोसाइट्स 2016 में नीट में आया क्वेश्चन है क्लियर थ्रोम्बोसाइट्स की कमी के कारण क्लोटिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर ये भी बॉडी फ्लूड से रिलेट है सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन ब्लड से सीरम डिफर क्यों होता है तो सीरम ध्यान है आपको क्या होता है कि एक बार कहीं भी कट लग गया कहीं भी इंजरी हो गई उसके बाद वहां से ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग होने के बाद कुछ टाइम के बाद ब्लड क्लोट हो जाता है ब्लड क्लोट होने के बाद उसमें से एक येलो कलर का जो फ्लूड बाहर निकलता है तो वो येलो कलर का फ्लूड है वो सीरम होता है तो सीरम में क्या चीज एबसेंट होगी सीरम होता है प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर सीरम क्या होगा प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इट मींस ब्लड में और सीरम में डिफरेंस अगर देखें तो ब्लड के अंदर वो क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट है लेकिन सीरम में क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट होंगे तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन लैकिंग प्लाज्मा प्रोटीन जरूर है लेकिन क्लोटिंग फैक्टर नहीं है तो एल्बुमिन तो प्रेजेंट होगी फैक्टर फैक्टर जो है वो सीरम में नहीं होंगे जबकि ब्लड के अंदर क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होंगे क्लियर आता था तो ये अपने आप में सीरम होता ही क्या है सीरम जो है वो अपने आप में होगा प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर तो प्लाज्मा के जितने भी कंपोनेंट्स है वो सारे प्रेजेंट होंगे तो बाकी क्लोटिंग फैक्टर के अलावा प्लाज्मा में जो भी प्रेजेंट होंगे वो सारे कंटेंट इसमें सीरम में प्रेजेंट होते हैं क्लियर तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा सेकेंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर फाइव

योसिनोफिल्स है वो भी एलर्जी इन्फेक्शन के टाइम इंक्रीज हो जाती है तो एलर्जी के टाइम इंक्रीज होके क्या करती है जो स्टामिन बनी थी उस स्टामिन को खत्म करने वाले स्टामिन इज रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम है उसको सिक्रीट करती है बेसोफिल्स रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेन स्टामिन तो ये बेसोफिल्स है वो स्टामिन हिपेरिन और सेरोटोनिन इन तीनों का सिक्रीशन करती हैं तो ये फोर्थ आ जाएगा इसके साथ न्यूट्रोफिल्स ये फैगोसाइटिक सेल्स होती है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये दोनों ही फेगोसाइटिक सेल्स है जो फेगोसाइटोसिस कर सकती हैं क्लियर उसके बाद देखें लिम्फोसाइट्स का फंक्शन होता है ये इम्यून रिस्पॉन्स करती तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए इोसिनोफिल्स के साथ थर्ड ए के साथ थर्ड ए के साथ थर्ड इसमें आ रहा है बी के साथ फोर्थ ए हो जाएगा ए के साथ थर्ड बी के साथ फोर्थ सी के साथ सेकेंड और डी के साथ फर्स्ट तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्लियर उसके बाद देखें आप क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर फ्लूड है पर्सन विद ब्लड ग्रुप आर एज यूनिवर्सल रेसिपियंट दिस इज ड्यू टू क्वेश्चन बॉई है ऑप्शन थोड़े से चेंज कर दिए ऑप्शंस को घुमा दिया थोड़ा सा तो आप समझ सकते हो इस ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप में ही घुमा फिरा के कैसे ही? एक क्वेश्चन को किस तरीके से मोल्ड किया जा सकता है एक क्वेश्चन आपने देखा था उसमें भी क्वेश्चन सेम है कि ए इसको ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों मान रहे हैं वही क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन चेंज करके उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया क्लियर तक अब इसमें आप देखिए पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप अभी आपको इसका आंसर बताया था मैंने कि एबी ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें एंटीजन ए और बी दोनों है कहां प्रेजेंट होगी RBC की सरफेस पर, बट एंटीबॉडी दोनों ही absent है. तो antibody दोनों absent होना इसके कारण जो है, है? है। वो ये क्या होता है? Universal recipient है. तक? First option देखें। इन इनकरेक्ट वैसे ही हो गया क्योंकि absence of antigen होता ही नहीं है प्रेजेंट होती है दोनों एंटीजन प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी एंड बी ऑन आरबीसी ये उल्टा दे दिया आरबीसी पे कभी होती नहीं है एंटीबॉडी प्लाज्मा प्लाज्मा, में होती है। antibody, NTA NTA plasma, है। ऑफ़ एंटीबॉडी एंटी 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 एंड बी बी इन ये करेक्ट और जो तो किसी भी दूसरे पर्सन का ब्लड अगर डोनेट कर दें तो इनमें किसी तरह का कोएगुलेशन नहीं होता क्लियर ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी एब्सेंस नहीं होती प्रेजेंस होती है इनकी तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर यहां तक समझ रहे हो आंसर इसका करेक्ट है ये है तो ऑप्शन करेक्ट ये क्यों है और इसका इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट क्यों है क्लियर यहां तक इन चीजों का स्पेशल ध्यान रखें कि किन चीजों में करेक्ट इनकरेक्ट वाली जो चीजें आती हैं उनमें ये ध्यान रखना है कि आपको ये इनकरेक्ट क्यों है और ये करेक्ट आंसर इसका क्यों है क्लियर यहां तक तो ये सिक्स क्वेश्चन उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव टू फाइब्रीन इनएक्टिव से फाइब्रीन बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो कौन सा होता है थ्रोमिन होता है क्लियर आता तो आपको ध्यान होगा कि इनके अंदर सबसे पहले जो होता है वो प्लेटलेट और दूसरा इसमें इंजर्ड टिश्यू क्या बनाते हैं एक तरफ प्लेटलेट प्लेटलेट और इंजर्ड टिश्यू ये दोनों क्या करते हैं प्लेटलेट एंड इंजर्ड टिश्यू ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन करते हैं ये एक्म्बोप्लास्टीन एक्जो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट सिक्रीट करेगी इसमें एक तो प्लेटलेट होगी प्लेटलेट एंड इंजर्ड टिश्यू प्लेटलेट एंड प्लेट इंजर्ड टिश्यू ये थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करेगी प्लेटलेट सिक्रीट करेगी एग्जो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट एग्जो थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड इंजर्ड टिश्यू एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन ये सिक्रीट कर रही है अब ये एक्सोर एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कैल्सियम आइन ये क्या करेंगी ये कैल्सियम आइन की प्रेजेंस में ये कैल्सियम आइन और विटामिन के इसके लिए विटामिन के भी रिस्पॉन्सिबल होता है तो विटामिन के एंड कैल्सियम आइन के प्रेजेंस में थ्रोम्बोकाइनेज ये बनाएंगे थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव है पहले से उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा तो ये इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा है और थ्रोम्बिन है वो फाइब्रीनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगी थ्रोम्बिन इनएक्टिव फाइब्रीनोजिन को एक्टिव या इनसोल्यूबल फाइब्रीन में कन्वर्ट करेगी ये सोल्यूबल फाइब्रीनोजन होती है इनसोलबल फाइब्रीन में कन्वर्ट कर देती है और इनसोलबल फाइब्रीन बनने के बाद वो क्या करेगी वो फाइब्रीन है जो इंजोर्ड पार्ट है उस जगह पे पूरे पे उसके थ्रेड्स है वो फैल जाएंगे और ब्लड को क्लोड कर देंगे क्लियर यहां तक इसका मतलब पूछा क्या है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रीनोजन टू फाइब्रीन इनएक्टिव फाइब्रीनोजन को फाइब्रीन में कौन कन्वर्ट कर रहा है तो थ्रोम्बिन है वो इसको कन्वर्ट कर रही है तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा क्लियर तो ये सेवेंथ हो गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स टू स्टेटमेंट्स दिए हुए स्टेटमेंट फर्स्ट द कोएगुल्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कोल्ड थ्रो ये गलत हो गया अभी आपने देखा था कि जो थ्रेड्स बनते हैं

करेक्ट हो गया तो इसके अकॉर्डिंग जो है इन लाइट ऑफ अबो स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रियट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो क्या होना चाहिए स्टेटमेंट फर्स्ट इज इन करेक्ट थर्ड आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट है वो क्या हो गया इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट सेकेंड है वो उसका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया क्लियर यहां तक तो करेक्ट आंसर हो गया थर्ड उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर नाइन

उसके बाद है ये तीनों दे रखे हैं, WBC. WBC का आपको और उसमें भी सबसे कौन सी है? Neutrophils, सबसे ज्यादा ज्यादा है है होती तो ये पे आएगी न्यूट्रोफिल्स और उसके बाद जो है वो मोनोसाइट्स सिक्स टू एट परसेंट ये मोनोसाइट्स और इससे कम इनोफिल्स होती है तो ये लगभग एक से दो परसेंट योसिनोफिल्स होती है तो फिफ्थ नंबर पे ये आ जाएगी तो इसके अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट नंबर पे रिथ्रोसाइट सी फिर ए फिर उसके बाद सी ए बी ई डी तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका थर्ड आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर नाइन ये हो गया नाइन हो गए डिक्रीजिंग ऑर्डर फिर टेन अब यहां से जो है वो क्वेश्चन सारे सर्कुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है अभी तक जो थे वो सारे बॉडी फ्लूड के क्वेश्चन थे अब सर्कुलेशन से आप देखें हार्ट की स्ट्रक्चर है उसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो रहा है सर्कुलेटरी पार्थवे क्या है उसमें कितने क्वेश्चन जो है वो किस किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन फर्स्ट आप देखें ब्लड प्रेशर इन द मेमेलियन एटा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग एवोल्टा के अंदर मैक्सिमम ब्लड प्रेशर कब होना चाहिए तो एवोल्टा आपको ध्यान है लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होती है ये इस टाइप से ये यहां से पल्मोनरी आर्टरी और यहां से एवोल्टा जा रही है तो ये पल्मोनरी आर्टरी और एवोल्टा ये यहां पे बाइकस्पिड और यहां पे ट्राइकस्पिड स्पीड वाल्व है तो इनमें पूछ रहा है

जब सिस्टोल इन लेफ्ट वेंटिकल लेफ्ट वेंटिकल का सिस्टोल होगा तब जाके ब्लड इसके अंदर जाएगा और प्रेशर इंक्रीज होगा तो सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंटिकल तो लेफ्ट वेंटिकल का सिस्टोल होगा तब जाके इसमें प्रेशर मैक्सिमम होगा क्लियर आता तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर इलेवन डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच कार्डिय साइकिल द सेकेंड साउंड इज हाउंड फर्स्ट साउंड होती है लब साउंड फर्स्ट साउंड लब साउंड सेकेंड साउंड जो होती है वो डब साउंड होती है तो फर्स्ट एंड सेकेंड डब साउंड होती है सेकेंड डब साउंड आती है वेंट्रिकुलर ये फर्स्ट लब साउंड जो होती है वो वेंट्रिकुलर स्टोल के टाइम होती है वेंटिकुलर स्टोल होते हैं टाइक स्पीड बाइक स्पीड बॉल्ब क्लोज होते हैं वापस उस टाइम

Aorta और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जब ब्लड को पंप कर देता है और पल्मोनरी आर्टरी में दोनों के अंदर जो वाल्व है वो वापस क्लोज हो जाते हैं लूनर वाल्व क्लोज होंगे तब आएगी सेकेंड साउंड डब साउंड क्या आना चाहिए करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकेंड लूनर वाल्व क्लोज डाउन क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इन टू दैसल जब वैसल्स के अंदर ब्लड फ्लो कर जाता है उसके बाद सेमिलर वाल्व का वापस क्लोज हो जाना उस टाइम कौन सी साउंड आएगी डब साउंड आएगी क्लियर तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा सेकेंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवी नोड रिसीव एवी नोड एवी वाल्व ओपन ये गलत है तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन से animal में दो सेपरेट होते हैं इसका मतलब होगा? तो complete double circulation होता है जिनमें हार्ट के फोर हैं। तो हार्ट में जिनके अंदर फोर चेंबर होते हैं उनमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा और इसके अंदर फोर जो है वो उसमें चेंबर रहेंगे हार्ट में टू एट्रियम टू वेंटिकल तो करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोविंग एनिमल्स है इट मींस करेक्ट आंसर क्या जाएगा वेल जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड क्लियर उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के बाद क्वेश्चन नंबर थर्टीन ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो कैसा होगा तो पल्मोनरी आर्ट्री आपने देखी भी किससे निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी जो निकलती है वो यहां से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी है वो लेफ्ट ये राइट right लेफ्टेंटिकल से निकल रही है तो राइट right वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है सेम एज दैट इन के जैसा नहीं होगा एवल्टा के अंदर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर थोड़ा कम होता है इससे क्योंकि इसमें मस्कुलर वाल्व है वो ज्यादा ठीक होती है क्लियर है तो ये इनकरेक्ट हो गया

कंटिन्यूस टू बीट ऑफ बीट फॉर सम टाइम अगर फ्रॉक के हर्ट को बॉडी से अलग करके निकाल के रख दें उसके बाद भी हर्ट जो है वो कुछ टाइम तक जो है वो बीटिंग करता रहेगा हा। तो हार्ट बीट उसके बाद उसको बॉडी से सेपरेट करने के बाद भी कुछ टाइम तक हर्ट बीट चलती रहती है इट मीन्स किस टाइप का हर्ट है ओटो एक्साइटेबल हर्ट होता है जिसको हम क्या कह सकते हैं माओजेनिक हर्ट ह्यूमन हर्ट की तरह होता है ह्यूमन हर्ट में भी क्या होता है ओटो एक्साइटेबल या मायोजेनिक हर्ट है जिसमें ऐसे नोड होती है खुद का जो मस्कुलर बंडल है वो खुद का मस्कुलर बंडल या खुद के जो नोडल टिश्यू है वो उसमें पल्सेशन को इनिशिएट करते हैं क्लियर आ तक तो किस कारण से ऐसा हो रहा है कि फ्रॉक का हर्ट है वो बॉडी से बाहर निकालने के बाद भी कंटिन्यू बीट करता रहे तो उसका क्या कारण है उसका कारण होगा कि इनके अंदर हर्ट जो है वो कैसा होता है नेचर में मायोजेनिक होता है तो हर्ट है वो नेचर में मायोजेनिक है और उसके साथ साथ वो ऑटो तो एक्साइटेबल होता है तो करेक्ट जो है वो क्या है हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर हार्ट इज ओटो एक्साइटेबल तो ओटो एक्साइटेबल है मायोजेनिक हार्ट है इसलिए वो बॉडी से सेपरेट होने के बाद भी कंटिन्यू पल्सेशन जारी रखता है तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा सी एंड डी इसके लिए करेक्ट है समझ गए ना क्यों बीट कर रहा है मायोजेनिक है और मायोजेनिक है इसीलिए हम उसको क्या कर रहे हैं ऑटो एक्साइटेबल रहे हैं दो टाइप के होते हैं हार्ट न्यूरोजेनिक मायोजेनिक इन्वर्टिब्रेड एनिमल्स होते हैं उनमें मैक्सिमम न्यूरोजेनिक हार्ट होता है जिनके अंदर बॉडी से सेपरेट अगर कर दिया तो न्यूरॉन्स का कंडक्शन नहीं होगा तो उसमें पल्सेशन बंद हो जाएगा क्लियर तक तो ये करेक्ट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन दिपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम हिपेटिक पोर्टल वेन है वो ब्लड को लीवर के अंदर लाके छोड़ती है और लाएंगी कहां से वो हिपेटिक पोर्टल वेन है वो ब्लड को लेके आती है इंटेस्टाइन से तो इंटेस्टाइन से जो है वो कलेक्ट करती है और इंटेस्टाइन से कलेक्ट करने के बाद जो है वो लाके उसको लीवर में छोड़ देती है तो लेके आ रही है, वो इपेटिक पोर्टल वेन होती है और जो लीवर के अंदर छोड़ने के बाद लीवर उसको बाहर कर रहा है वो हिपेटिक वेन होती है तो हिपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू अगर आएगा तो इंटेस्टाइन से आएगा और किस में चला जाएगा लीवर में जाएगा जहां फूड का डिटोक्सिफिकेशन हो जाता है क्लियर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट विथ दोज इन कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड की मैचिंग देखनी है आपको ट्राइक स्पीड बाल्ब है वो कहाँ होते हैं ट्राइक स्पीड बाल्ब होते हैं राइट एट्रीएम और राइट right वेंटिकल के बीच क्लियर तो ट्राइक स्पीड बाल्ब बिट्वीन राइट एट्री एम एंड राइट वेंटिकल तो ये थर्ड के साथ मैच करेगा बाइक स्पीड वाल्व है बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल तो ये होंगे लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल उसके बाद सेमिलूनर वाल्व है वो बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी दोनों जगह होंगे लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी इन दोनों के अंदर जो है वो किस टाइप के होंगे इनके अंदर सेमिलूनर वाल्व होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप देखें ट्राइक स्पीड बाल्व में थर्ड आएगा तो ए के साथ थर्ड बी के साथ फर्स्ट ए के साथ थर्ड बी के साथ फर्स्ट और सी के साथ सेकंड। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ इसका क्लियर समझ रहे हो अब आपके धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि नीट में ऐसा कुछ नहीं आता एग्जाम में एकदम नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो आपके पूरी तरीके से, से, से पढ़े हुए होते हैं क्वेश्चन उन्हीं में से आते हैं केवल एग्जाम फोबिया होता है जिसके कारण से कई क्वेश्चन आते हैं वो भी आप गलत करके आ जाते हो तो इसलिए ये केवल आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ये प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है ताकि आपको पता रहे कि ऐसा नीट में कुछ नहीं है कि तो जिसके कारण से हम ऐसे फोबिया बना के बैठते हैं कि पता नहीं नीट के एग्जाम में क्या आएगा वही चीजें जो रात दिन आप पढ़ते रहते हो क्लासेस में जो बताई जाती है समझाई जाती है वही चीजें नीट में एग्जाम में आती हैं कोई अलग से NTA स्पेशल क्वेश्चन छाप के नहीं भेजता आएगा वही जो आपने पढ़ रखा है वो अलग बात है कि वहाँ आप थोड़ा सा डिमोरलाइज हो गए या थोड़ा सा आपके दिमाग में एग्जाम हो भी आ गया तो आप कई ऐसे क्वेश्चंस में भी स्किली मिस्टेक करके आ जाते हैं और आने के बाद में ध्यान आता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता था ये क्वेश्चन मैं इजीली कर सकती थी तो इसलिए आप इन चीज़ों को ढंग से समझते रहें कि ऐसा एग्जाम के अंदर कुछ नहीं है जिसके कारण आपको फोबिया हो क्लियर यहां तक तो कॉन्फिडेंस से एग्जाम देने जाएं और बढ़िया अच्छे से करें हर क्वेश्चन आपके सामने ऐसा ही रहेगा जो आपका पढ़ा हुआ है जो आपको क्लास में करवाया हुआ होगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है फर्स्ट है द ट्राइकसपिड एंड द बाइकस्पिड वाल्व्स ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमलटेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया ट्राइकसपिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमलटेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया तो ये वैसे सही है लेकिन कंप्लीटली इसको करेक्ट नहीं मान सकते क्योंकि दोनों वाल्व ट्राइकसपिड बाइकस्पिड वाल्व पार्शियली ओपन पहले से ही होते हैं केवल यह नहीं कि एट्रियल जो ब्लड होता है उसका प्रेशर लगने से ही वो खुल रहे हैं खुले हुए तो पहले से ही हैं प्रेशर लगने से वो कंप्लीट खुल जाते हैं और ज्यादा ओपन हो जाते हैं और उसके कारण से प्रेशर के कारण से ब्लड जो जितना पहले एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा था उससे थर्टी परसेंट और बढ़ जाता है क्लियर आ तक तो ये कंप्लीट करेक्ट जो है वो इसको हम नहीं मान सकते क्योंकि ओपन पहले से होते हैं क्लियर ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्ट्रोल ये करेक्ट है जॉइंट डायस्ट्रोल होता है उस टाइम एट्रियम से जो ब्लड वेंट्रिकल में आता है वो कंटिन्यू पार्शियली ओपन जो ट्रैक स्पीड बाइक स्पीड वाल्व है उनसे कंटिन्यू फ्री उसमें आता रहेगा उसके लिए स्पेशल जो है वो उनका खुलना जरूरी नहीं है वो पार्शियली ओपन है वहीं से फ्रीली ये इसके अंदर आते रहेंगे तो ये करेक्ट है इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर कोजेज क्लोजिंग ऑफ द सेमिलूनर वाल्व वेंट्रिकुलर प्लेस प्रेशर के इंक्रीज होने से सेमिलूनर वाल्व क्लोज हो जाता है ये भी इनकरेक्ट है क्या रहेगा इससे ये इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर होता है तो सेमिल्यूनर वाल्व ओपन होते हैं और वाल्व ओपन होंगे तभी जाके ब्लड उसके अंदर वेसल्स के अंदर जाएगा उसके बाद देखें द एक्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए एवी नोड जनरेट नहीं करता ये कौन करेगा एस से नोड है वो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है तो करेक्ट क्या आना चाहिए यहां से नोड होता तो ये करेक्ट होता है एवी नोड इनिशिएट कर रहा है इसका मतलब ये गलत है तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग जेंटल स्टोर करेक्ट क्या होगा आंसर सेकेंड हो जाएगा क्लियर इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 18 अब ये ईसीजी के क्वेश्चन है अभी तक जो थे वो सर्कुलेशन के थे अब ईसीजी के क्वेश्चन है द डायग्राम गिवन ईयर इज द स्टैंडर्ड ईसीजी ऑफ़ जी नॉर्मल पर्सन द पी वेव द पी वेव जो है वो उसमें किसको रिप्रेजेंट करती है ये देख रहे हो आप पी वेव है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है टी वेव है पी वेव जो करती है वो एट्रियल डिपोलराइजेशन उसका मतलब एट्रियल सिस्टोल ये एट्रियल डिपोलराइजेशन एट्रियल सिस्टोल ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल को ठीक है वेंट्रिकुलर डायस्टोल का मतलब वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को

करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया क्लियर उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 19 मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड कॉलम फर्स्ट और सेकंड को मैच कराएं तो कॉलम फर्स्ट और सेकंड में आप देखिए पी वेव किसको रिप्रेजेंट करेगी पी वेव रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया अभी आपको बताया था पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया यह डीपोलराइजेशन को शो करेगी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डी पोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स टी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ टी वेराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव का मतलब है कि यहां से जैसे आपने देखा पी वेव ऐसे है फिर क्यू आर एस इस टाइप से है और टी वे का रिडक्शन रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वे साइज ऑफ टी वेव का रिडक्शन है इसका मतलब ये ऐसे रहेगी तो साइज का रिडक्शन हो गया इसका पर तक नहीं जा रहा है इट मीनस क्या रहेगा कोरोनरी स्टीमिया का मतलब कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड को प्रॉपर सप्लाई इसमें नहीं कर पा रही है जिसके कारण से नेक्स्ट टाइम जो वेंटिकुलर सिस्टो ये एट्रियल स्टोल होना है वो लंबे टाइम के बाद होता है क्लियर तक तो इससे किसको शो कर रहा है रिडक्शन इन साइज ऑफ टी वेव इसका मतलब कोरोनरी कोरोनरीमिया तो करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग वेव के साथ क्या जाएगा फोर्थ तो ए के साथ फोर्थ बी के साथ फर्स्ट और टी के साथ सेकंड तो ए के साथ फोर्थ बी के साथ फर्स्ट सी के साथ सेकंड और डी के साथ थर्ड डी के साथ थर्ड करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड क्लियर उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर

इज 100 ml जब डायस्टोल हो रहा है उस टाइम ब्लड कितना आ रहा है उसमें 100 ml और उसके बाद जो है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद कितना बच रहा है 50 ml इसका मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम एक बार के पल्सेशन में या एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक बार के कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड है वो बाहर निकाल रहा है 100 50 equal to 50 ml 50 ml ब्लड है वो में बाहर आ रहा है तो 50 एम ब्लड बाहर आ रहा है इसका मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम 50 एम है और कार्डियक आउटपुट जो है वो किसके बराबर होता है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इन टू हाइड्रेट अब इसमें पूछा क्या वट वुड बी रेट ऑफ ए पर्सन अब अपने को निकालना क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम अपने पास है कार्डिक आउटपुट अपने पास है अपने को निकालना हार्ट रेट तो हार्ट रेट इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डिक आउटपुट फाइव थाउजेंड एमएल और स्ट्रोक ये स्ट्रोक वॉल्यूम है फिफ्टी एम तो ये क्या हो जाएगा हंड्रेड बीट पर मिनट हो जाएगी हंड्रेड बीट्स पर मिनट करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्यूआरएस आर एस कॉम्प्लेक्स इन द स्टैंडर्ड ए रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो रिप्रेजेंट किसको करेगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करेगा तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स पी वेव किसको शो करती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया और क्यूआरएस वेव डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स और टी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा डीपोलराइजेशन ऑफ फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप देखें, तो पे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है एक्सक्रेटिव सिस्टम और उसके बाद एक्सक्रीशन और एक्सक्रेटिव सिस्टम तो के बारे में एक्सक्रेटिव सिस्टम से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो टू में क्वेश्चन था फिगर सो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम विद्रक्चर लेवल सेलेक्ट ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज एंड गिवस देक्टरिस्टिक एंड और फंक्शन उसके कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन के साथ सही मैचिंग को सेलेक्ट करना है इसमें देखिए आप ए किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड ए एड्रीनल ग्लैंड और बी जो है वो इसमें रिनल पिरामिड को ये बी जो है वो इसका कॉलम और बर्टनी रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी ये रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी है सी जो है वो इसके रीनल पिरामिड ये इसके रीनल पिरामिड है रीनल पिरामिड और डी ये इसमें सॉरी बी जो है वो कॉलम ऑफ बर्टनी और इसके रीनल पिरामिड और यहां से डी सॉरी डी रीनल कॉलम ओबर्टनी है डी जो इसके बीच बीच में फंसा हुआ पार्ट है वो रीनल कॉलम ओबर्टनी है और बी जो है वो इसमें रीनल पेल्विस है ये रीनल पेल्विस अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो डी क्या हो गया इसमें रीनल कॉलम ओबर्टनी

क्लियर तो ये इनकरेक्ट हो गया उसके बाद है डी आउटर पार्ट ऑफ किडनी एंड डो नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स डी को कोटेक्स बता रहा है तो कोटेक्स जो पार्ट है डी उसमें क्या रहेगा डी कोटेक्स पार्ट है जिसके अंदर क्या बताएंगे इनमें कोटेक्स पार्ट के अंदर डू नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कोटेक्स के अंदर कोई पार्ट नहीं होता ये भी गलत है कोर्टेक्स में अभी आपको बताया पीसीटी डीसीटी और मेलपीज कॉर्पस कॉर्पसिल्स इसमें बोमन एंड ग्लोमेरुलस ये प्रेजेंट होंगे तो ये भी गलत हो गया ए एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी सही है ए एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी सिक्रीट कैटेकोलेमाइंस कैटेकोलेमाइंस में ध्यानों का भी आपको नॉर एड्रीन का सिक्रीशन करती है विच स्टिमुलेट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन तो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करके ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है कोर्टिसोल हार्मोन है करेक्ट है यहां तक ये इसमें और एड्रेनालिन एड्रेनालिन है ये भी क्या करते हैं ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करते हैं क्लियर यहां तक तो ये थर्ड सही होगा इसका बी पेल्विस ब्रॉड फनल सेबेस इन टू हाइलम डायरेक्टली कनेक्टेड टू तो लूप ऑफ हेन तो ये इसका बी रीनल पेल्विस बता रहा है ये क्या हो गया इसमें बी रीनल पेल्विस और ब्रॉड फनल स्पेस इनर टू हाइलम इनर टू हाइलम बता रहे है। तो ये इनकरेक्ट है रीनल पेल्विस बता रहे है इसको तो ये इसके अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? हो जाएगा थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा क्लियर इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 23 23 में निम्नलिखित में से किसके दुरुस्त कुंडलित नलिका में सोडियम का पुनः शोषण बढ़ जाता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एन इंक्रीज इन सोडियम रीअब्जॉर्न इन द डिस्टल कॉन्विटे टिब्यूल डिस्टल कॉन्वलटे ट्यूब्यूल में सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन है वो कौन इंक्रीज करेगा सोडियम आयन का रीऑब्जॉर्प्शन जो है वो एल्डोस्टेरोन का लेवल है वो करेगा तो एल्डोस्टेरोन डीसीटी में सोडियम आयन और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन एनसीआरटी में दे रखा है कंडीशनल रीऑब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच ओनली एडीएच की प्रेजेंस में वाटर री एब्जॉपन होगा और एल्डोस्टेर की प्रेजेंस में सोडियम आइन एंड वॉटर दोनों का री एब्जॉर्न होता है तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल्स फर्स्ट करेक्ट आंसर हो गया उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव रिमूवल ऑफ प्रोक्मल कॉनवोलूट फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन अगर प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को रिमूव कर दें तो ध्यान होगा आपको यहां से जैसे बोमन कैप्सूल फिर प्रोक्सिमल कॉन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल देन हैंडले लूप तो ध्यान होगा आपको कि यहां प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मैक्सिमम रीअब्जॉर्बन जो होता है वो प्रोगिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होगा क्लियर तो प्रोगिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सेवेंटी टू एट्टी परसेंट वॉटर सेवेंटी टू एट्टी परसेंट वॉटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इनका रीअब्जॉर्पन जो होगा वो कहा होता है पीसीटी में होता है अगर पीसीटी को रिमूव कर दें नेफ्रॉन से तो क्या होगा डाइल्यूट यूरिन बनेगा क्योंकि तो ये सेवेंटी टू एट्टी परसेंट वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्पन नहीं हो पाएगा तो डाइल्यूट यूरिन बनेगा तो करेक्ट आंसर क्या होगा मोर डायल्यूटेड यूरिन तो करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा इसका क्लियर उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर एक्सक्रीशन से रिलेटेड है ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन डाइल्यूट यूरिन बनाने के लिए कौन सी जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है निम्न में से कौन सा बड़ी मात्रा में तनुमूत्र बनने का समर्थन नहीं करता है तो बड़ी मात्रा में डाइल्यूट यूरिन बनने का समर्थन कौन सा इनमें नहीं करता है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखिए इसमें बड़ी मात्रा में एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर इससे क्या होगा एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर है वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा और ब्लड वेसल्स डायलेट होती है तो क्या रहेगा इससे जो है वो फिल्ट्रेट ज्यादा बनने ये इसमें कम बनेगा और ऐसी कंडीशन में जो फिल्ट्रेट बनेगा तो उनके अंदर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम बनने लग जाएगा तो एडीएच वाटर का रीअब्जोशन भी कम करेगा क्लियर यहाँ तक तो ये

एक क्या करेगा एड्रीनल कोटेक्स पे काम करेगा एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन करवाएगा एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन होगा तो सोडियम आयन वाटर का रिओब्जॉप होगा तो ये क्या करेगा सोडियम आयन वाटर का रिओब्जॉप हो रहा है तो उसके कारण धीरे धीरे यूरिन है वो कंसनट्रेट होने लग जाएगा तो ये कंसंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये उसके डायलूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ह्यूमन यूरिन इज यूजली एसिडिक बिकॉज़ ह्यूमन यूरिन है ध्यान आपको यूजली एसिडिक होता है इसकी पीएच सेवन से कम पी एच होती है लगभग सिक्स सिक्स पॉइंट टू पी एच इसकी होगी तो ये जो पी एच होती है इसकी लगभग सिक्स पी एच होती है इसका मतलब एसिडिक होता है एसिडिक किसके कारण किस होता है हाइड्रोजन आइन के सिक्रीशन के कारण आपने पढ़ा होगा पी में और डीसीटी में पी और दोनों डीसीटी दोनों में ही हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन और अमोनिया इनका ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है जब इनका ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा तो ट्यूबुलर सिक्रीशन के कारण जो है वो क्या होगा यूरिन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन जितनी इंक्रीज होगी उतनी एसिडिक जो है वो होता जाएगा क्लियर तो एसिडिक क्यों होता है हाइड्रोजन आइन्स आर एक्टिवली सिक्रीटेड इन फिल्ट्रेट तो फिल्ट्रेट के अंदर हाइड्रोजन आयन जो है वो एक्टिवली सिक्रीटेड होते हैं क्लियर तक सिक्रीशन हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है उसके बाद 28 एट इन विच ब्लड वेसल्स वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो कौन सी ब्लड वेसल्स में होगा हिपेटिक वेन हिपेटिक पोर्टल वेन वेन रीनल डोरसल डोसलेटा तो इनमें आप देखें हिपेटिक वेन में लार्जेस्ट अमाउंट होगा यूरिया का क्यों होगा क्योंकि हिपेटिक पोर्टल वेन जो होती है वो क्या कर रही है इंटेस्टाइन से ब्लड को लाके

हिपेटिक वेन के थ्रू इन्फीरियर बिना केवा में जा रहा है तो इसमें आप देखिए जो हिपेटिक वेन लेके जा रही है लीवर से ब्लड को लेके निकल रही है वो मैक्सिमम अमाउंट को लेके जा रही है क्लियर आ तक उसके बाद रीनल वेन रीनल वेन में मैक्सिमम जो है वो फिल्टर हो जाता है यूरिट यूरिया कुछ अमाउंट जो है वो इसके अंदर यूरिया का प्रेजेंट होगा डोर से ले उल्टा में यूरिया प्रेजेंट होंगी लेकिन लेवल जो है वो कम रहेगा क्लियर आ तक तो सबसे ज्यादा यूरिया किसमें रहेगी हिपेटिक वेन में सबसे ज्यादा यूरिया होगी क्योंकि लीवर के अंदर यूरिया की फॉर्मेशन होती है उसके बाद वो वहां से बाहर निकल रही है तो लीवर से यूरिया बाहर निकल रही है तो वहां इसकी कंसेंट्रेशन है, वो बढ़ जाती है क्लियर वेन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इनवॉल्व इन

फर्स्ट हो जाएगा कॉनोल जो ट्रिब्यूअल में पीसीटी में एक्टिव रिओब्जॉर्प्शन और डीसीटी में जो होगा वो कंडीशनल जो ओनली किसकी प्रेजेंस में एल्डोस्टेरोन की प्रेजेंस में होगा क्लियर तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है तो इनमें आपको हर एक स्टेटमेंट में देखना है करेक्ट कौन सा है और क्यों है इनकरेक्ट कौन सा है और क्यों है क्लियर तक तो आप देखिए फर्स्ट द डिसेंडिंग ऑफ ऑफ लूप एनले इज टू डिसेंडिंग परिसंब ऑफ लूप ऑफ एनले परमिएबल ऑफ पर होती है तो परमिएबल टू वॉटर होती है इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया इम टू वॉटर बता रहे इनकरेक्ट हो गया सेकेंड है स्टेटमेंट दसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनले

इनकरेक्ट है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिसेंडिंग लिंब वो इम्परमेबल वाटर के लिए परमिबल एसेंडिंग लिंब वाटर के लिए इम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिबल होती है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया द दसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनले इज इम्परमेबल टू वाटर तो ये वाटर के लिए इम है ये करेक्ट है और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिबल है तो परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स तो इम्परमेबल फॉर वाटर एंड permeable टू इलेक्ट्रोलाइट्स permeable टू इलेक्ट्रोलाइट्स तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए permeable होती है क्लियर तो करेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन थर्टी वन है ए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कोज द रिलीज ऑफ अगर ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम पहले से डिक्रीज हो रखा है तो इनमें से कौन सा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा रक्तदाब आयतन में कमी के कारण किसका मोचन नहीं होगा तो पहले से ही रक्तदाब में या ब्लड प्रेशर के अंदर ब्लड के वॉल्यूम में अगर कमी हो रखी है तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कमी हो रखी है तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इसमें एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर एल्डोस्टेर एडीएच और रेनिन तो इसमें आप देखिए ब्लड प्रेशर कम है उस कंडीशन में क्या रहेगा ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम कम है उस कंडीशन में क्या क्या होंगे एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन होगा एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन होगा तो वाटर का और सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन आएगा वाटर सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन होगा ब्लड में मिलेंगे ब्लड का वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर दोनों इंक्रीज हो जाएंगे एडीएच है वो भी क्या करता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा डीसीटी से और कलेक्टिंग डॉक्टर से वो भी जाके ब्लड में मिलेंगे ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा Renine, ने वो भी क्या करवा रहा है सोडियम आयन का करवा रहा है सोडियम आयन का हो रहा है और एक ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा ब्लड वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्ट होने से ब्लड प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो जीएफआर को इंक्रीज करेगा ये भी एक नेट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर है वो कब काम करेगा जब जी एफ आर पहले से ही इंक्रीज हो गई हो तो जी एफ आर अगर पहले से इंक्रीज हो गई हो वन ट्वेंटी फाइव एम एल पर मिनट से इंक्रीज हो गई हो उस कंडीशन में उसको डिक्रीज करना हो वापस तब कौन सा काम करेगा एक्ट्रियल नेट्री फैक्टर जो क्या करता है ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा तो जीएफआर डाउन आ जाएगी क्लियर यहाँ तक तो ये इस कंडीशन में इसका मोशन नहीं होता है ये नहीं हो रिलीज नहीं होगा एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा एडीएच भी रिलीज होगा और रेनिन भी रिलीज होगा क्लियर तो करेक्ट आंसर क्या रह जाएगा इसका फर्स्ट हो जाएगा क्लियर? उसके बाद आप देखें क्वेश्चन थर्टी टू मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद इन द कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड में आप देखिए फंक्शन ए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होगा इनमें से मेलपीजियन कॉर्पस अल्ट्राफिल्ट्रेशन है वो कहाँ होगा कॉर्पस कॉर्प जिसके अंदर बॉमिन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है तो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके बॉमिन कैप्सूल में आएगा तो वहाँ इनके अंदर जो है वो क्या रहेगा एक तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो रहा है वहाँ दूसरा है कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन यूरिन कंसनट्रेशन है वो कहाँ पर होता है हैंडले लूप में यूरिन का कंसनट्रेशन है वो हैंडले लूप में होगा उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन यूरिन का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन यूरेटर में होगा और उसके बाद स्टोरेज ऑफ यूरिन ये यूरिनरी ब्लैडर में होगा तो स्टोरेज ऑफ यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में होगा अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो मैचिंग अगर देखें तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है मेलपीजियन कॉर्पस्किल फोर्थ फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या चाहिए आंसर थर्ड हो जाएगा ए के साथ फोर्थ उसके बाद बी के साथ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन फर्स्ट हेनलेलू सी के साथ ट्रांसपोर्ट किसमें रहेगा यूरेटर में और डी के साथ थर्ड स्टोरेज ऑफ यूरिन यूरिन डी प्लेटर में तो थर्ड आंसर जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर यहां तक समझ आ गया अब इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री थर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन कंसंट्रेट यूरिन होने के लिए इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है पहला देखिए सिक्रीशन ऑफ एरिटीन बाई जक्सटाग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स है इससे एरिथ्रोपोल्टीन का सिक्रीशन है वो ओनली क्या करवाता है आरबीसी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है इसका इससे कोई लेना देना नहीं होता उसके बाद है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो रहा है उसमें भी कंसनट्रेशन का कोई रोल नहीं होता क्लियर केवल क्या करवा रहा है फिल्ट्रेशन करवा रहा है लेकिन यूरिन कंसेंट्रेशन में इसका कोई रोल नहीं है तो ये भी इनकरेक्ट है लो लेवल ऑफ एंटी डायूर हॉर्मोन एंटी डायूरिटिक हॉर्मोन का हाई लेवल होगा तब वो करवा सकता है लो लेवल कंसेंट्रेशन नहीं करवा पाएगा तो ये भी इनकरेक्ट है मेंटेनिंग हाइपर ओस्मोलिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलर इंटरस्टिशियम इन द किडनी ये करेक्ट है सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जो है इनर मेडुला जो है उसके इंटरस्टीशियम को इनर मेडुला के इंटरस्टीशियम को हाइपर ऑस्मोलाइज कर रहा है उसकी ओस्मोल को इंक्रीज कर रहा है जो कोर्टेक्स में जो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है उससे बढ़ के कितनी हो जाती है

थर्टी फोर में आया हुआ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोविंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरिस डायूरेसिस को रोकने के लिए इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है तो इसमें आप देखिए डायोरेसिस का मतलब समझ रहे हो डाइल्यूट यूरिन बनना और मैक्सिमम यूरिन फॉर्मेशन होना बार बार म्यूचुरेशन होना ये प्रोसेस है वो डायोरेसिस है डायोरेसिस मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिन क्वेंटली एलिमिनेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैक्शन तो बार बार मैक्चुरेशन के थ्रू अगर उसको एलिमिनेट किया जा रहा हो लार्ज अमाउंट में यूरिन बन रहा हो डायल्यूट यूरिन बन रहा हो यह कंडीशन जो है वो क्या होती है डाई यूरेसिस होती है तो डाय यूरेसिस को प्रिवेंट करने के लिए इनमें से कौन सा है? करेक्ट होना चाहिए तो कौन सा करेक्ट होना चाहिए रीअब्जॉर्ब सोडियम एंड एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूस ड्यू टू एल्डोस्टेर एल्डोस्टेरोन की प्रेजेंस में सोडियम आयन और वाटर का रीअब्सॉर्बन जब हो रहा है उसमें से उस कंडीशन में जो है वो क्या रहेगा उस कंडीशन में यूरिन है वो कंसनट्रेट होता जाएगा यूरिन कंसनट्रेट होगा उतना ही क्या होगा इसमें डाईस जो है वो कम हो जाएगी क्लियर तक तो ये इसमें करेक्ट आंसर क्या जाएगा फोर्थ आंसर इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव एरिथ्रोपोटिन हॉर्मोन विच स्टीमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन इज

सिक्रीट होता है और किडनी के जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से सिक्रीट होने वाले अनदर हार्मोन्स है वो क्या क्या होंगे एरिथ्रोपोइटिन है इसके अलावा रेनिन होता है और एक कैल्सी होता है एक कैल्सी ये होता है जिसका काम क्या होता है कैल्सियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन करवाना तो ये कैल्सियम आयनो का रीअब्जॉर्प्शन करवा सकता है तो जो जेजीए अपरेटस है जेजीए अपरेटस एक सेंसिटिव रीजन होता है जो सेंसिटिव होने के साथ साथ ग्लैंडुलर भी होता है सेंसिटिव क्या है जी कम ज्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग ये रेनिन का सिक्रीशन करवाता है तो इसका मतलब ये रिसेप्टर का भी काम कर रहा है इंटेरो रिसेप्टर या सेंसिटिव रीजन है और उसके साथ साथ ये ग्लैंडुलर पार्ट है जो ग्लैंड की तरह कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन कर रहा है क्लियर यहाँ तक तो इससे सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स में रेनिन है कैल्सिट्रायोल है और एक एरिथ्रोपोइटिन है ये तीनों हार्मोन्स जो है वो इससे सिक्रीट होते हैं क्लियर इसमें एरिथ्रोपोइटिन का काम ट करना आरबीसी प्रोडक्शन को रेनिन का फंक्शन जो है वो क्या होता है एनजीओ को एनजीओ सेकंड में एनजीओ फर्स्ट में कन्वर्ट करना क्लियर तक वो आगे चल के क्या करता है आर ए एस की जो मैकेनिज्म होती है उसको वो करेगा रेगुलेट करेगा और इससे जो है वो क्या होगा जीएफआर को इंक्रीज कर सकता है क्लियर आर कैल्सियो कैल्सियम आयनों का रीअब्जॉर्न करवाता है क्लियर तो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा थर्ड हो जाएगा इसमें एक्स्ट्राग्लोमल सेल्स ऑफ द किडनी क्लियर थर्टी सिक्स मैच द आइटम गिवन कॉलम फर्स्ट विद दो ग्लाइकोसूरिया इसमें क्या होगा ग्लूकोज की प्रेजेंस होती है यूरिन में ग्लूकोज अगर बाहर एलिमिनेट होने लग जाए यूरिन के साथ क्या कहेंगे इस कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया तो ये प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिक करेक्ट है सेकेंड गाउट गाउट क्या होता है गाउट होता है जहां जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड है उसके क्रिस्टल्स कलेक्ट हो जाते हैं तो जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स कलेक्ट होने के कारण वहां इन्फ्लामेशन हो जाता है पेन रहने लग जाता है उस कंडीशन को क्या कहेंगे गाउट डिजीज तो गाउट में क्या होगा इन्फ्लामेशन ऑफ ये गाउट में मास ऑफ क्रिस्टलाइज चार्ल्ड विद किडनी एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स रीनल कैलकुलाई क्या होता है रीनल कैलकुलाई होंगे जहां रीनल पैलव के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट जैसे क्रिस्टल्स है वो कलेक्ट हो जाते हैं और मैचुरशन में प्रॉब्लम होने लग जाती है पेन होने लग जाता है उस कंडीशन को क्या कहेंगे रीनल कैलकुलाई तो क्या आना चाहिए इसके साथ मास ऑफ क्रिस्टलाइज मास ऑफ क्रिस्टलाइज विद इन द किडनी किडनी के अंदर क्रिस्टलाइज साल्ट जिनके अंदर कैल्शियम ऑक्सिलेड कैल्शियम कार्बोनेट है ये कलेक्ट हो जाते हैं उस कंडीशन क्या देंगे रीनल कैलकुलाई एक होता है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस ये होता है इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलस तो ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन ये ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप देखें करेक्ट जो है वो क्या सिक्वेंस रहेगी ग्लाइकोसूरिया में फोर्थ रहेगा तो ए के साथ फोर्थ बी के साथ फर्स्ट तो ए के साथ फोर्थ बी के साथ फर्स्ट सी के साथ सेकेंड सी के साथ सेकेंड डी के साथ थर्ड तो डी के साथ थर्ड तो करेक्ट आंसर सेकेंड आ जाएगा इसका क्लियर इस टाइप से जो है इसकी मैचिंग होगी इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन थर्टी सेवन में आप देखें यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हिमोडायलाइसिस माई रिजल्ट इन हीमोडायसिस अगर करवा रहे हैं आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू हिमोडायसिस करवाने का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल नेचुरल किडनी है वो फेल हो गई हो तो किडनी फेलियर का जो पेशेंट होता है उसमें करवाई उसमें हीमोडायलिसिस करवा तो मतलब कर कर के आर्टिफिशियल किडनी से नाइट्रोजिनस वेस्ट को एलिमिनेट किया जा रहा है क्लियर यहां तक तो उससे क्या क्या चीजें पॉसिबल होंगी नाइट्रोजिनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी नाइट्रोजिनस वेस्ट बॉडी में बिल्डअप नहीं हो रहे जबकि उससे क्या करवाया जा रहा है फिल्टर करवाया जा रहा है उसको एलिमिनेट किया जा रहा है तो फर्स्ट इनकरेक्ट नॉन एलिमिनेटेड नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस एक्सेस पोटेशियम पोटेशियम आयन आयन का एलिमिनेशन नहीं होगा यह भी पॉसिबल नहीं है एक्सेस सोडियम आयन होंगे पोटेशियम आयन होंगे वो भी क्या कर दिए जाएंगे सिक्रेशन करके निकाल दिए जाएंगे क्लियर यहां तक उसके बाद है रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आइन फ्रॉम गैस्ट्रो इनल

नेचुरल किडनी है ही नहीं उसमें काम ही नहीं करी किडनी फेलियर हो गई है तो क्या होगा कैल्सियो ट्रायल नहीं होगा जेजीए से ये सिगरेट नहीं होगा तो गैस्ट्रो गैस ट्रैक्ट से सेल्सियम आइनो का नहीं हो पाएगा तो ये इसमें सी हो जाएगा एक तो करेक्ट उसके बाद डी में रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन आरबीसी प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा ये भी करेक्ट है ये किसके कारण रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि एरिथ्रोपोल्टीन हार्मोन जो है वो नहीं बनेगा समझ गए ना जेजी एक हार्मोन कौन सा बनता है पेरिथ्रोपोटीन हार्मोन बनता है यह हार्मोन भी इसके कारण से नहीं बन पाएगा इसका मतलब विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट तो सी और डी जो है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएंगे तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन करेक्ट है क्लियर उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर थर्टी एट प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस डायबिटीज मेलिटस का जो पेशेंट होता है उस डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट में किन चीज़ों की प्रेजेंस है वो इसको इंडिकेट करती है कि उसके डायबिटीज़ है तो डायबिटीज मेलाइटिस के लिए उसके यूरिन के साथ साथ कीटोन बॉडीज़ और उसके अलावा ग्लूकोज है वो यूरिन के साथ एलिमिनेट होते हैं तब उस कंडीशन में वो डायबिटीज़ का पेशेंट होता है तो डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर जो इंडिकेटिव अगर हम देखें इसके तो क्या रहेंगे कीटोन एंड क्लाइकोसूरिया कीटोन बॉडी और ग्लूकोज का यूरिन के साथ बाहर एलिमिनेट होना वो किसको इंडिकेट करता है वो इसमें डायबिटीज़ मैलाइटस को इंडिकेट करेगा क्लियर आंतक डायबिटीज़ में आपको ध्यान है दो टाइप की डायबिटीज है डायबिटीज मैलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिटस एडीएच की डेफिशिएंसी हो गई डायबिटीज इंसिपिटस हो जाएगा डाय हो जाएगा जिसमें बार बार या फ्रिक्वेंटली म्यूचूरेशन होगा डायलूट यूरिन बनेगा एडीएच वाटर का ऑब्जॉर्बन नहीं कर पाएगा तो लार्ज अमाउंट में यूरिन बनेगा और फ्रीक्वेंटली मिक्चुरेशन होगा एक होता है डायबिटीज डायबिटीज के अंदर शुगर लेवल जो है वो इनमें इंक्रीज हो जाएगा और यूरिन के साथ साथ शुगर जो बाहर निकलने लग जाएगी ये किसके कारण होता है इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण होगा जो पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है क्लियर यहां तक तो किटोनूरिया और ग्लाइकोसूरिया दोनों ही उसके इंडिकेशन है कि डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है क्लियर उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन गाउट इज ए टाइप ऑफ डिसऑर्डर टू गाउट एक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है Gout के अभी आपने पढ़ा है कई जगह पहले आ चुका है, कि Gout जो होती है उसमें क्या होता है यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स है वो जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं वो जमा हो जाते हैं जिसके कारण से जॉइंट्स में जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है और पेन रहने लग जाता है तो वो गाउट डिजीज है जिसको अपने आम बोलचाल की भाषा में गठिया कर रोग कहते हैं क्लियर तो ये क्या रहेगा इनफ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट्स ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स तो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के ज्वाइंट में अक्यूमुलेट होने के कारण कलेक्ट हो जाने के कारण हो जाता है उसी को हम क्या कह देते हैं गाउट डिजीज कहते हैं करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका थर्ड आंसर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर तक तो ये आपने देखा इसके सारे क्वेश्चंस हो गए तो ये आपके फोर्थ यूनिट से जिसमें बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन एंड एक्सक्रिटिव सिस्टम से जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में दस सालों में आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस के बारे में आपको आइडिया बता दिया किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सारे इजीली क्वेश्चंस होते हैं एक आपकी अप्रोच क्वेश्चंस तक सही होनी चाहिए आपकी समझ क्वेश्चंस तक सही होनी चाहिए क्वेश्चन को आपने अगर अच्छे से समझ लिया इसका मतलब ये मान के चलो कि आप 80 परसेंट जो है उसके आंसर तक पहुंच जाओगे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता हो तब उसमें कुछ नहीं हो सकता इसलिए आप ध्यान रखें ऐसा नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आता जो आपका कभी पढ़ा हुआ ही नहीं हो टच नहीं हो वो एक फोबिया हो जाता है इसके कारण से आप उसमें सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं। क्लियर ओके थैंक यू